आपने सेवई तो हजारों बार खाई होगी। आज मैं आपको एक सीक्रेट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपकी सेवई सुपर टेस्टी बनेगी, तीन गुना उसका स्वाद बढ़ जाएगा। नमस्ते दोस्तों, बजट की रसोई में आप सभी का स्वागत है। चलिए अपनी झटपट सी रेसिपी शुरू करते हैं। ये हमने आधा कप सेवई लिया हुआ है। बाज़ार में बिना फ्राई की हुई भी सेवई मिलती, भुनी हुई भी और भुनी वाली भी मिलती है। आपको जो अच्छा लगे आप ले सकते हैं। ये भुनी वाली है, फिर भी हम थोड़ा सा इसको हल्का सा घी में भून लेंगे। पर इससे पहले हम कढ़ाई में घी डालेंगे और उसके बाद थोड़े से ड्राई फ्रूट को हम यहाँ पर भूनेंगे। इससे काफ़ी सेवई का जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है। उसके बाद हम इसमें सेवई ऐड कर देंगे और इसे भी एकदम धीमी आंच पर हमें भूनना है, फास्ट आंच पर इसे नहीं भूनना है। और एकदम क्रिस्पी होने तक हल्का, जिसमें ब्राउन आ जाए, ब्राउन कलर आ जाए, उतना हमें इसे भून लेना है। आपको याद दिलाना चाहूँगी, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को दबाना भूलना नहीं, क्योंकि मैं ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आती रहती हूँ। हमने अच्छे से सेवई को भून लिया, उसके बाद हमने यहाँ पर आधा लीटर दूध ऐड कर दिया, लगभग ये 2 कप था। और अच्छे से हमें इसे पकने देना है धीमी आंच पर। और यहाँ पर इसी समय हमने 3 चम्मच शक्कर ऐड किया है। शक्कर कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं। हमें मिला देना है इस तरह से। और ये काफ़ी पतला लग रहा है, तो मैं आपको एक सीक्रेट चीज़ बताऊंगी, जिससे कि ये थिक भी हो जाएगा और जो सीक्रेट चीज़ है वो आसानी से हर घर में मिल जाती है। तो ये हमने यहाँ पर खारी का एक टुकड़ा लिया है। हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बस थोड़ा सा ही हमें इसका पार्ट लेना है और उसे हाथों से क्रश कर देना है। और उसके बाद हमने यहाँ पर फिर से 2 चम्मच शक्कर मिलाया और इसमें हम वो सीक्रेट चीज़ डालेंगे। इससे इसका टेस्ट 3 गुना बढ़ जाएगा और इसका टेस्ट लाजवाब होगा। ये खारी का जो चूरा हमने बनाया था उसे ऐड कर दिया है। साथ में ही हम यहाँ पर 2 से 3 इलायची तोड़कर हम यहाँ पर डालेंगे। इस इलायची को बाद में डालें, जिससे इसका फ्लेवर सेवई में हमेशा बना रहता है। पहले डालते हैं तो इसका स्वाद कम आता है। तो अब हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और चलिए फटाफट समय इसे सर्व कर लेते हैं। ये देखिए कितना ठीक है और एकदम यम्मी टेस्ट इसका आता है। एक बार ज़रूर इसे मेरे तरीके से बना कर देखिए, गारंटी है कि हर बार आप इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। तो ये लीजिए, हमारी सुपर टेस्टी सेवई तैयार है। को लाजवाब टेस्ट आएगा। तो आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अपनी एक नई रेसिपी के साथ।